हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में। सो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सो 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या है हमारे पास? If irrational number is a real number, क्या सारे irrational number हमारे real number होते हैं? Yes, irrational क्या होते हैं? जो root में होते हैं, root 3, root 7 वगैरह। तो ये सारे क्या होंगे? Real number भी होंगे। Real number तो real होते हैं, 7, 8 सारे real ही होते हैं। तो first का answer क्या जाएगा? True. सेकेंड का आंसर है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम। कि सारे जो नंबर लाइन पे पॉइंट है वो रूट एम होंगे? नहीं, नंबर लाइन पे तो 1, 2, 3, रूट 3, 7, 5 कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। थर्ड है हमारे पास एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते, क्योंकि इरेशनल इसमें आ जाए, रियल रियल रहते हैं, तो इसमें क्या जाएगा? ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे स्क्वेयर रूट पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल स्क्वेयर रूट। एग्जाम्पल देने हमको स्क्वेयर रूट के ऑफ अ नंबर दैट इज अ रियल रैशनल नंबर, कि वो रियल रैशनल नंबर है। ओके, तो कैसे करेंगे हम, देखिए। आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव। क्या स्क्वेयर रूट के पॉजिटिव होते हैं? नहीं, स्क्वेयर रूट में तो माइनस के भी आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। आंसर हो जाएगा नो। अब इसमें एग्जाम्पल बोला उसने कि एग्जाम्पल इफ नॉट तो गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो गए 1, 4, 9 आर स्क्वेयर रूट, रूट चला देंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएंगे, आर स्क्वेयर रूट। ओके, एंड ये लिख सकते हैं एंड परफेक्ट स्क्वायर अमोंग अदर, अदर से परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं। ओके, ये सब आप लिख सकते हैं, और ये क्या होंगे हमारे? ये रैशनल नंबर नहीं होंगे। ओके, रैशनल नंबर हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है नहीं, तो आप इससे आगे ये भी लिख सकते हैं एंड द परफेक्ट स्क्वायर perfect square among other and not a rational number। Okay, question number third। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेम है, अगर हम एक क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा दूसरे का भी आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए इसमें क्या गया है, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 5 नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, फोर्थ में हमें क्लासरूम एक्टिविटी दी गई है, तो उसमें एक लाइन दी गई है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, और ऊपर से उसको 5 रूट बनाया गया है। ओके, तो कैसे बनाया गया, देखिए, ये हमने लिया एक लाइन ली। ओके, ये 1 पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट ये लाइन हो गई, बीच में हमने क्या रख दिया? 0, उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं, फिर आएगा 3 और ये पॉइंट, इधर साइड 1, 2, जैसे 1 ही ले लेते हैं, बस 1 तक ही लेते हैं, उसके बाद हम खुद कर देंगे, 1 हो गया। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि 0 और 1 पॉइंट, इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है कि 0 से लेके 1 पॉइंट ये हो गया,
इस पे एक ये खड़ा है, मीन्स ये एक एंगल बन जाएगा। और इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम की माध्यम से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने AOB। AOB हो गया। ओके, अब ये हमें क्या दिया गया है? वन दिया गया है, ये साइड हमें वन दी गई है बेस, और ये साइड हाइट, बेस और हाइट दी गई है, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइट फाइंड करिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? बाय PGT थ्योरम। ओके, तो पीजीटी थ्योरम के इक्वल्स कैसे लेंगे? एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ओके, एच क्या है हमारे पास? एच हमारे पास निकालनी है, तो एच स्क्वेयर इक्वल टू पी क्या है हमारे पास? वन, वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, बी भी वन है। एच इक्वल टू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन स्क्वेयर तो वन ही होता है, वन स्क्वेयर वन। एच स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन प्लस वन टू, तो एच स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? टू। एच इधर ही रह जाएगा, क्या बचेगा? टू। टू को हम किस में जाएंगे? रूट में, रूट टू हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मीन्स रूट से बाहर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस वाले फॉर्मूले से लगाते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड। टू, अब टू से ऐसे कौन सा लेंगे? जैसे वन पे टू, वन 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 जा वन, वन पे चला गया, वन और वन कितने हो गए? टू, टू हो गए। अब टू तो इस पे जा नहीं सकता, पॉइंट लगा के हम जीरो ले लेते हैं, जीरो ले लिया। टू फोर जा पे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, टू फोर जा एट पे चल जाएगा, फोर पे चला गया एट, टू बचा। अब फिर ये किस पे चल जाएगा? टू वन जा वन, टू पे। तो मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला आ जाएगा 1.41। तो एच इक्वल टू 1.41 मीन्स, अब हमने वन ढूंढ लिया, अब हमें टू ढूंढना था, तो इसको कैसे करेंगे? इसको आगे बढ़ाते रहेंगे लाइन को, और इसे हमने लाइन ली ये वाली, इसे ये पॉइंट बना दिया टू, रूट टू बन जाएगा। और जब ये ऐसे घूम के आएगा तो वन 1.41 हो जाएगा। ओके, मीन्स ये सर्कल घूम के आ जाएगा। सेम ऐसे थ्री बढ़ाएंगे, तो थ्री से यहाँ पे ये आ जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। सेम ऐसे करेंगे, अब इसमें हमारे पास टू दिया गया है, मीन्स एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, पी की वैल्यू हमें परपेंडिकुलर वो टू दी गई है, टू स्क्वेयर प्लस में वन स्क्वेयर। ओके, वो तो वन रहेगा ही, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन वन क्या हो जाएगा? एच स्क्वेयर, एच का स्क्वायर इधर चले जाएगा, क्या बचेगा? ऐड कर देंगे फाइव हो जाएगा। मींस ऐसे आपको थ्री फोर फाइव, फाइव तक निकालने, अगर यहाँ पे देखिए फाइव आ जाता है, जैसे वन का स्क्वायर टू, मींस टू का स्क्वायर टू हो गया, सिर्फ हमें टू लिया। अगर हम इसको स्क्वायर ना ले, जैसे स्क्वायर हटा दें, क्यों? क्योंकि अब हमने रूट स्क्वेयर्स के नहीं लिए। तो कितना हो जाएगा? थ्री। एच पे स्क्वेयर्स लेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट थ्री। अब रूट थ्री को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 1.73। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ इतनी आ जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ से जो ये गोला मीन्स सर्कल लाएंगे, और यहाँ पे 1.73 का बना देंगे। अब फोर क्या आएगी? फोर की सेम यही रहेगी, रूट फोर, रूट फोर हो जाएगी। फोर का हाफ कितना होगा? टू। तो इस वाले सर्कल से ऐसे आके टू पे जॉइंट हो जाएगा, ये वाला टू। ओके, अब आती है लास्ट, रूट फाइव। रूट फाइव क्या आ गई? रूट फाइव में अब एच स्क्वेयर इक्वल टू पी प्लस में बी कर देते हैं हम। एच स्क्वायर रूट पी कितना है हमारे पास? फोर प्लस में बी कितना है? वन। फोर प्लस वन फाइव, रूट हो जाएगा इक्वल टू में एच स्क्वायर, सॉरी एच ओनली, क्योंकि रूट उधर चला गया, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर ऐसे, फाइव टू टू जा फोर, कितना बचा? वन।
टू प्लस टू फोर, पॉइंट लेके हमने जीरो ले लिया। कितने पे जाएगा ये, किससे डिवाइड करें कि 40 पे चला जाएगा? अगर 4 2 को 2 से करें तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा आ जाएगा। 41 को 1 से करें, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 41 ज्यादा आ जाएगा। अगर इसको हम रिपीट पॉइंट लगा देते हैं, अब किससे करेंगे, मींस 2 से आगे ही आएगा, जो सर्कल आएगा वो यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आपको सिर्फ 5 तक करनी थी इसमें, और इसमें भी आपको दिया गया है 2 3 रूट 2 रूट 3 रूट 4, यही बताने हैं आपको 5 तक नंबर लाइन बनानी थी जो हमने बना दी। ओके, सो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स।